हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ इंस्टेंट पिज्ज़ा की शानदार रेसिपी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इंस्टेंट पिज्ज़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक टमाटर, प्याज, आधी कैप्सिकम और थोड़े से स्वीट कॉर्न जिसको कि मैंने पहले ही बॉइल करके रखा हुआ है, थोड़े से मोज़रेला चीज़, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, रेड चिली सॉस, टोमेटो केचप, एक एक रुपए वाले मैंने यहाँ पर लिया है रेड चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो। अब ये इन सारे इंग्रेडिएंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी पिज़्ज़ा बनाने के लिए। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं दो पिज़्ज़ा ब्रेड, जिसे पिज़्ज़ा बेस भी कहते हैं। ये मैंने रेडीमेड परचेज़ की है जो कि 25 रुपए के दो मुझे पड़े हैं। अब हम करने वाले हैं जुगाड़। यहाँ पर मैंने लिया है बाटी का कुकर, जिसे आप बाटी का ओवन भी बोलते हैं। इसके अंदर कोई सी भी स्टैंड आप रख लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे प्री हीट होने के लिए रख देंगे 5 मिनट के लिए। तब तक हम हमारा पिज़्ज़ा रेडी करेंगे। ये देखिए, अब इन सारी चीज़ों को हम हटा लेंगे, एक साइड करेंगे। यहाँ पर मैंने ली है प्लेट, उसके ऊपर सबसे पहले हम रखेंगे ये पिज़्ज़ा बेस और उसके ऊपर हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। यहाँ पर पिज़्ज़ा पास्ता सॉस आपको लगभग 1 से 1.5 चम्मच के करीब डाल लेना है, या फिर 1 चम्मच भी इनफ है। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में आपको पिज़्ज़ा पास्ता सॉस ही डालना है, इसी से आपके पिज़्ज़ा का टेस्ट बैठेगा। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये टोमेटो केचप। उसके बाद हम इस पर अप्लाई करेंगे ये रेड चिली सॉस। आधी से 1 चम्मच के करीब आपको तीनों चीज़ें डाल लेना है। सिर्फ पिज़्ज़ा पास्ता सॉस आपको 1 से 1.5 चम्मच के करीब डालना है और स्पून की हेल्प से इस तरह से तीनों सॉस को अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। ये देखिए, मैंने तीनों तरह के सॉस को बहुत ही अच्छे से पिज़्ज़ा बेस के ऊपर स्प्रेड कर लिया है। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे वेजीज से। एक पीस कैप्सिकम, एक पीस टोमेटो, फिर से एक पीस कैप्सिकम, अगेन एक पीस टोमेटो। इस तरह से आप अल्टरनेट एक पीस कैप्सिकम और एक पीस टोमेटो से पिज़्ज़ा को डेकोरेट कर लें, एक आउटर लेयर बना लें, या फिर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जैसे चाहे पिज़्ज़ा को डेकोरेट कर सकते हैं। अभी देखिए, मैंने एक लेयर आउटर लेयर कंप्लीट कर ली है पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा के ऊपर कैप्सिकम और टोमेटो की। अब इसके अंदर भी छोटे छोटे पीसेस करके हम कैप्सिकम रख देंगे इस तरह से। उसके बाद हम इस पर ऑनियन लगाएंगे। ऑनियन की रिंग्स मैंने यहाँ पर कट की है, इस तरह से ऑनियन को रिंग्स में काट लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर ऑनियंस को भी इसी तरह से जैसे हमने टमाटर और कैप्सिकम को काटा है उसी तरह से आप ऑनियन को भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ऑनियन की रिंग्स निकाली है। ये देखिए, इस तरह से चारों तरफ हमें अच्छे से कैप्सिकम और टोमेटो के ऊपर ऑनियन रिंग्स लगा देनी है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये स्वीट कॉर्न, जिसको कि मैंने सबसे पहले बॉईल करके रखा था। सबसे पहले मैंने स्वीट कॉर्न को ही बॉईल किया था। उसके बाद स्वीट कॉर्न डालने के बाद हम इस पर अप्लाई करेंगे ये मोज़रेला चीज़। आप अपनी श्रद्धा अनुसार इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डाल सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं, कम ज़्यादा अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग या फिर अपनी श्रद्धा अनुसार इसके ऊपर डालें। आप देख सकते हैं हमारा पिज़्ज़ा अभी से कितना अच्छा लग रहा है। बस अब ये बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हमारा ओवन भी प्री हीट हो चुका होगा, आइए हम फटाफट चेक कर लेते हैं। जब तक हम हमारा पिज़्ज़ा रेडी कर रहे थे तब तक हमारा ओवन भी प्री हीट हो चुका है। अब वो बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। बहुत ही आहिस्ता से, बहुत ही ध्यान से हमें हमारे पिज़्ज़ा को ओवन के अंदर रख देना है और अब इसका ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर आपको 5 मिनट के लिए इसे बेक होने देना है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारे तामझाम होंगे तभी आप घर पर पिज़्ज़ा बनाकर खा सकते हैं। आपके पास कुछ भी नहीं होगा उसके बाद भी आप घर पर बहुत ही शानदार पिज़्ज़ा बनाकर खा सकते हैं। देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं। अब हमारे पिज़्ज़ा को बहुत ही आहिस्ता से इस तरह से चम्मच या स्पैचुला की हेल्प से निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब आप इसे पिज़्ज़ा कटर या नाइफ़ की हेल्प से कट कर सकते हैं। आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं भी होगा तो भी चलेगा, आप इसे नुकीले तीखे नाइफ़ की हेल्प से कट कर सकते हैं। बहुत ही ध्यान से आपको इसे कट करना है वरना आपकी वेजीज इधर से उधर चली जाएगी। ये देखिए, मैंने इसके 2 पीस कर लिए हैं। उसके बाद मैं इसमें ऊपर से स्प्रेड कर रही हूँ ये रेड चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो।
एक एक रुपए वाले सेशे से ही आपका काम चल जाएगा। एक पिज़्ज़ा के ऊपर आपको एक रेड चिली फ्लेक्स का पाउच और एक ओरिगेनो का पाउच लगेगा, इससे ज़्यादा नीड नहीं होगी। ये देखिए, अब दूसरी तरफ से भी आप अपने पिज़्ज़ा को इस तरह से कट कर लें। आपका पिज़्ज़ा खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे ज़रूर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मैं आपको पिज़्ज़ा पीछे से भी बताती हूँ कि हमारा पिज़्ज़ा जो है वो पीछे से भी कितने अच्छे से बेक हुआ है। आपको गैस का फ्लेम मीडियम भी नहीं करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर ही आपको पिज़्ज़ा को पकाना है। आपका पिज़्ज़ा बहुत ही शानदार बनकर रेडी हो जाएगा। अब आप इस गर्मा गर्म पिज़्ज़ा को सर्व करें, एंजॉय करें, और इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। आप देखिए कि हमारा पिज़्ज़ा पीछे से भी कितना अच्छा लग रहा है। अब बहुत जल्द मिलूंगी आपसे अगले रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।